हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। देखिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जिस तरीके से एग्जाम कराए गए, उस तरीके से इनके रिजल्ट जो है इनके जारी हो जाने चाहिए थे। काफी जो है वो टाइम बीत गया है और जहां पर बच्चे जो है वो आगे के बारे में सोचें तो वो यह भी नहीं सोच पा रहे हैं उनको क्या पढ़ना है, किस ओर जाना है। तो सब जो है दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि रिजल्ट जारी हो जाते हैं तो ये पता लग जाता है बच्चे का कि सिलेक्शन हो गया है तो उसे किस ओर जाना है, नहीं हुआ है तो उसे वापस उस चीज को जो है वो दोबारा से कवर करना है। तो फर्स्ट ग्रेड के जो है रिजल्ट धीरे धीरे जारी हो रहे थे, जब बहुत ज्यादा दबाव जो है वो बनाया गया तो रिजल्ट आने स्टार्ट भी हो गए, लेकिन कुछ ही जो है वो सब्जेक्ट के रिजल्ट निकले और फिर जो है दोबारा से बंद हो गए। तो ये जो है वो गलत हो रहा है, यानी कि बच्चों के द्वारा, हमारे द्वारा जितना दबाव बनाया जाता है उतना ही काम होता है और उसके बाद जो है वो फिर से बंद हो जाता है। तो बच्चों के साथ जो इतना बड़ी जो चीज है कि बच्चे जो है वो करें तो करें क्या। वहीं सेकेंड ग्रेड का जो है वो की भर्ती जो है वो अब रद्द होगी, क्योंकि पेपर जब लीक हुआ है तो काफी पेपर लीक हुए होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में, तो रद्द तो होना ही चाहिए। मैंने आप लोगों से जो है वो कहा था कि जो है कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है, तो मोस्टली सभी बच्चों की यही राय है कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए और जो इस चीज में पाए गए हैं उनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम इस काम को करने के बारे में वो ना सोचें। और वो बच्चे जो कि पैसे लेकर जो है पेपर खरीदते हैं, तो उन बच्चों को जो है वो पांच साल तक जो है वो किसी भी एग्जाम में जो है वो बैठने के लिए जो है वो बिल्कुल मना होनी चाहिए। उनके ऊपर जो है वो जो पैसे हैं उसके लिए जो है और जिन बच्चों के द्वारा जो है ये पेपर खरीदा गया है उन बच्चों के लिए तो सख्त कार्रवाई ये होनी चाहिए कि उन बच्चों को जो है वो आगे के जितने एग्जाम है तो वह वहां पर ना बैठने दिया जाए, तभी ये चीज जो है वो बंद होगी। क्योंकि भ्रष्टाचार जब होता है, जब आगे वाला जो है चीज को खरीदना चाहता है और सामने वाला जो है बेचना चाहता है, दोनों ही कंडीशन होती है, तभी ये चीज जो है संभव हो पाती है। तो यहाँ पर जो है जिन्होंने पेपर लीक कराया उनको तो पकड़ रहे हैं, साथ में जिन बच्चों ने खरीदा है तो उनके लिए भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के जो है वो कुछ भी लेना जो है वो अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि आप टीचर बन जाओगे तो आगे जो है वो आप बच्चों का भविष्य खराब कर दोगे, तो इसीलिए जो है वो आपके साथ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मेहनत करते हैं वो बेचारे जो है वो कई सालों तक जो है लगे रहते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं और फिर जो है वो मायूस होकर बैठ जाते हैं और दोबारा से जो है क्या करते हैं, फॉर्म निकलते हैं, फिर से फॉर्म भरना स्टार्ट करके पढ़ाई करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको मेहनत के सिवा कुछ नहीं आता है। थर्ड ग्रेड का रिजल्ट जो है अप्रैल में आना था, लास्ट वीक में, अब मई में आना है, क्योंकि इतनी ज्यादा आपत्तियां जो है वो दर्ज कराई गई हैं कि बोर्ड को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप लोगों की संख्या भी काफी अधिक है, आप लोग जो है वो जल्दी जो है वो कर सकते हैं काम, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वो वेट करें तो कितना करें। एक आप टाइम जो है वो दे देते हैं कि मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो बच्चे जो है सोच लेते हैं हाँ चलो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि सही चीज को होने में थोड़ा वक्त तो लगता है। लेकिन जो है वो कि मई के एंड में होगा, जून के स्टार्टिंग में होगा, ये गलत है। बच्चे जो है वो कब तक वेट करेंगे। शिक्षा जो है वो बिल्कुल पॉलिटिक्स जो है उसमें लिप्त होती जा रही है और ये चीज जो है वो बिल्कुल देश का भविष्य जो है वो खराब कर देगी, क्योंकि एक अध्यापक ही जो है उसी के द्वारा जो है डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। तो एक टीचर के ऊपर जो है वो बहुत जिम्मेदारी होती है, तो यदि आप जो है वो खिलवाड़ करोगे तो कई बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत कदम भी उठाते हैं। तो ये चीज जो है वो आप लोगों को सोचनी चाहिए कि एग्जाम आप कराते हैं, फॉर्म आप फिल करवा देते हैं, फॉर्म में पैसे जो है वो बच्चों के जाते हैं, वो चीज आप टाइम पर कर लेते हैं और जब रिजल्ट की बारी आती है तो वहां पर आप लोगों के सामने कई क्वेश्चन सामने आ जाते हैं और आप लोग जो है वो रिजल्ट जल्दी जारी नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज जो है वो गलत है और इसका जो है वो समाधान आप लोगों को जल्दी करना चाहिए। तो बोर्ड को जो है ये चीज जो है वो सोचनी होगी, कितने साल बीत गए हैं और बच्चा कितना वेट करेगा। और
आप लोगों को जो है वो ये चीज शायद ही पता हो कि अभी जो है वो फर्स्ट ग्रेड में, अभी बिल्कुल अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में 27,000 से भी अधिक पद अभी रिक्त हैं, अभी खाली हैं। फिर भी इतने जो है वो इन लोगों ने जो है वैकेंसी नहीं निकाली, जबकि इतने पद जो है वो रिक्त हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, तो अब और भी जो है वो संख्या में खाली पद हैं 27,000 से अधिक। वहीं पर सेकेंड ग्रेड की अगर बात करें तो 9,500 से अधिक जो है वो इन्होंने पद निकाले, जबकि 29,000 से अधिक पद जो है इसमें खाली हैं। 27,000 से अधिक फर्स्ट ग्रेड में, 29,000 से अधिक जो है सेकेंड ग्रेड में जो है वो पद खाली हैं। तो क्यों इन बेरोजगारों को परेशान किया हुआ है, इनको जो है आप लोग क्यों इनके साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं जिंदगी के साथ, जब आपके पास पद रिक्त हैं तो फटाफट से जो है वो वैकेंसियों को फिल क्यों नहीं करते। थर्ड ग्रेड की अगर बात करें तो यहां पर भी जो है 53,000 से भी अधिक पद जो है वो खाली हैं। ये मैं अभी का जो डेटा है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में 27,000 से अब खाली है, 29,000 सेकेंड ग्रेड में खाली है, 53,000 से अधिक जो है वो थर्ड ग्रेड में पद अभी भी खाली है। जितने भी मेहनती बच्चे हैं उनका सबका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा अगर सही तरीके से कार्य किया जाए। वहीं पर जो पीटीआई के जो पद हैं 8,000 से भी अधिक पद खाली है। तो जब इतनी संख्या में पद खाली हैं और जैसा कि जो है वो कहा भी गया राज्य सरकार की ओर से जब बजट जारी हुआ था तो उसमें बताया गया था कि 1,00,000 भर्तियां जो है वो होगी। 1,00,000 भर्तियों में आप लोग जो संविदा पे जो आप वैकेंसी निकाली है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की, वो अलग है, आपने इसमें ही शामिल कर ली, तो यहां भी आप बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। जब 1,00,000 भर्तियों की घोषणा की है तो 1,00,000 भर्तियां जो है वो बिल्कुल सच्चे तरीके से जो है होनी चाहिए, ठीक है। और अभी तक इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं गया है, जो पुरानी जो भर्तियां हैं उनको ही फिल नहीं किया गया है। वर्तमान में इतने पद खाली हैं, व्याख्याता के 27,494 पद खाली हैं, वरिष्ठ अध्यापक के 29,000 यानी सेकेंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के जो है वो 53,000 पद खाली हैं, फिजिकल एजुकेशन के 8,000 पद खाली हैं, तो इनको कब भरा जाएगा। तो कल दोबारा से जो है वो फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट जो रोक दिए गए हैं दोबारा से जो है इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और कल से जो है इसमें फिर जो है वो कार्रवाई करेंगे और फिर जो है रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो है वो कब तक चलेगा, जितना हम प्रयास करते हैं उतना ही आप लोग जो है वो काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका काम है, बच्चों ने एग्जाम दिया है, बच्चे जो है वो कितना वेट करेंगे, अगर उनके सामने कुछ और अल्टरनेट है कहीं और जो है वो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो वहां पर भी उनका मन नहीं लगता है जब तक उनका रिजल्ट ना निकल कर आ जाए। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी जो है वो परिणाम जारी करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि सभी को जो है इस बारे में पता लगे कितने जो है वैकेंसी जो है वो खाली हैं और फिर भी जो है जो पुरानी वैकेंसी है इनको ही नहीं भरा गया है। सभी को पता होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड के 27,000 से अधिक पद खाली हैं, सेकंड ग्रेड के 29,000 से अधिक पद खाली हैं, थर्ड ग्रेड के 53,000 से अधिक पद खाली हैं और फिजिकल एजुकेशन के 8,000 से अधिक पद खाली हैं, ठीक है। और 1,00,000 भर्तियों की जो घोषणा की है सरकार को, सरकार ने की है, तो सरकार जो है इस बात को याद कर ले। तो कल दोबारा से जो है इस बारे में जो है वो बात की जाएगी और फर्स्ट ग्रेड के जो रोक दिए गए रिजल्ट इनको दोबारा से जो है जारी हो इसके लिए प्रयास जो है वो पूरा रहेगा। आप लोग भी जो है वो ध्यान दें, आप लोगों की ही भविष्य की बात है। गलत लगता है जब स्टूडेंट के साथ जो है वो गलत हो रहा होता है क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। तो एक टीचर और स्टूडेंट का जो बहुत पक्का सा जो है वो रिश्ता होता है क्योंकि टीचर के बगैर कोई स्टूडेंट नहीं और स्टूडेंट के बगैर कोई टीचर नहीं, ठीक है। तो एक दूसरे का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो इस चीज को जो है वो आपने जान लिया है कितने पद जो है वो खाली हैं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी जो है वो रिजल्ट जारी हो। सेकंड ग्रेड का तो अब लग रहा है कि ये जो वैकेंसी है रद्द होगी और थर्ड ग्रेड से पहले फर्स्ट ग्रेड के जितने भी परिणाम है सब्जेक्ट के सभी जारी हों, इनके सभी के सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद थर्ड ग्रेड का आए, तो इसके लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा साथ दें, ऐसा नहीं है कि आप लोग बस वीडियो देखें और बस देखकर जो है वो छोड़ दें इस बात को, थोड़ा सा आप लोग भी जो है वो ध्यान देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।